अंबाला जेल तो रिहाई मिलन तो बाद अज डेरा मुखी राम रहीम की धी हनीप्रीत की पहली पेशी सी, जिदे चलद पंचकूला 2017 हिंसा मामले अज हनीप्रीत बाकी आरोपियों समेत पंचकूला अदालत पेश हुई, जिस तों बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर से पा दिती है। आज FIR नंबर 345/17 जो मेन केस जो अपने दंगा के बारे में पुलिस ने दर्ज की हुई है, उस पे चार्ज पे लगा हुआ था केस, क्योंकि उससे पहले चार्ज पे आर्ग्यूमेंट हो चुका था जिसमें मेन चार्ज पे धारा 121 और 121A को ड्रॉप कर दिया गया था जो सेशन ट्रायल थी। अब सेशन ट्रायल की धाराएं खत्म होने के बाद केस जो है मार्क हो गया था नीचे, रिमांड बैक हो गए ऑनरेबल CJM कोर्ट को। ऑनरेबल CJM कोर्ट में आज चार्ज फ्रेम होना था, जो कि माननीय अदालत ने आज सभी दोषियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए हैं, जो कि चार्ज 145, 146, धारा 150, 151, 152, 153 में चार्ज फ्रेम हो चुके हैं। तो सभी एक्यूज्ड के चार्ज पे आज साइन हो गए हैं। 3 एक्यूज्ड की एग्जम्पशन थी, वो नहीं आ पाए थे, उनके साइन नेक्स्ट डेट पे 13/12 की डेट लगाई है। उनके साइन होने के बाद फिर केस जो है ट्रायल चलेगा और एविडेंस पे केस चलेगा। सर, ये अवेलेबल हैं सारी धाराएं और आज जो आरोपी बताए जा रहे हैं हनीप्रीत, वो पेश हुए थे? हाँ, आज सभी दोषी पेश हुए थे, 3 की एग्जम्पशन थी सिर्फ, और जो मेन जो सेक्शंस हैं वो सभी अवेलेबल ऑफेंसेस हैं, जिनमें मैक्सिमम प्रोविजन जो है अप टू 1 ईयर का है, सभी अवेलेबल ऑफेंसेस होने के कारण CJM साहब की कोर्ट में ट्रायल चलेगा। जो चार्ज फ्रेम हुए हैं, आज नेक्स्ट हियरिंग को क्या होगा इनके ऊपर? अब नेक्स्ट हियरिंग 13/12/2019 लगाई है, जो 3 एक्यूज जिनकी एग्जम्पशन फाइल की गई है वो एक्यूज पेश न होने के कारण उनके साइन चार्ज पे केस करवाए जाएंगे। तो ये सारे आरोपी द्वारा पेश होंगे? सभी आरोपी पेश होंगे, हर पेशी पर। अगली जो पेशी होगी उस पर बहस शुरू होगी, जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं? चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, उसके बाद 13/12 के बाद केस एविडेंस के लिए चला जाएगा और ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, एविडेंस स्टार्ट हो जाएगा। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।